अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ फरहान ट्यूटोरियल्स। आज मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप अपने ब्लॉक का एक्सेस आप दूसरे जीमेल अकाउंट को दे सकते हैं। बाद ऐसा होता है कि आपका जो ब्लॉक होता है वो एक डिसेबल्ड ईमेल जीमेल अकाउंट से अटैच्ड होता है, तो प्रॉब्लम ये होती है कि फिर आप उस अकाउंट से एडसेंस को री अटैच नहीं कर सकते क्योंकि वो ऑलरेडी डिसेबल्ड होता है जीमेल आईडी पे। तो आप चाहते हैं कि आप उस ब्लॉग से अर्निंग करें, लेकिन आप ब्लॉग से अर्निंग नहीं कर पाते क्योंकि वो आपका ऑलरेडी डिसेबल्ड हुआ होता है। तो तरीका ये है कि मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ कि आप उसी ब्लॉग वेबसाइट पर दूसरा जीमेल अकाउंट कैसे अटैच कर सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ फॉलो करें मेरे स्टेप्स। सबसे पहले अपना नेट ब्राउज़र ओपन करें। अब यहाँ पे लिखें blogger.com, यहाँ पे आप साइन इन कर लें। ठीक है, साइन इन करने के बाद अब आपका ब्लॉगर का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब आपको करना ये है कि सेटिंग में जाके परमिशंस पे क्लिक करें। ब्लॉग अब सेटिंग में जाएंगे तो बेसिक के जो ऑप्शन है, बेसिक का ऑप्शन, इस पर क्लिक करने के बाद ये आपको टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइवेसी, ब्लॉग एड्रेस, HTTPS रिडायरेक्ट, परमिशंस में ये है कि आप अपने ब्लॉग ऑथर्स को किन किन को ऑथराइज़ कर रहे हैं कि आपका ब्लॉग यूज़ कर सकते हैं। मतलब इसमें आपके जो ब्लॉग ऑथर्स होंगे वो आपके ब्लॉग में कमेंट कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं और अपलोडिंग वगैरह भी कर सकते हैं। जो पोस्ट उनको क्रिएट करनी हो वो क्रिएट कर सकते हैं और वो एडसेंस वगैरह जो भी है उनकी इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। अब ब्लॉग ऑथर में यहाँ पर आपने एड ऑथर्स पर क्लिक करना है और यहाँ मैं टाइप करूँगा मेरी दूसरी जीमेल आईडी जो कि है farhanaziz06@gmail.com। अब यहाँ पे आप क्लिक करना है इनवाइट ऑथर्स। ठीक है, अब आपने इनवाइट कर लिया है। यहाँ पे देखें वन ओपन इनविटेशन। अब आप अपनी उस जीमेल आईडी को ओपन करें जहाँ पे आपने इनविटेशन भेजा हुआ है, ताकि आप उस अकाउंट को एक्सेस दे सकें अपने ब्लॉग में। ठीक है, तो मैं अपनी इनकॉग्निटो मोड में जीमेल की दूसरी आईडी ओपन कर रहा हूँ। ठीक है, फ्रेंड्स अब देखें ये मेरे दूसरे अकाउंट पे, लेकिन अब तक मुझे यहाँ पे कोई भी मेरा फरहान ट्यूटोरियल्स का ब्लॉग शो नहीं हो रहा। वो क्यों? क्योंकि अब तक मैंने उसको जीमेल पे जो एक लिंक आती है ऑथराइजेशन की, अब तक वो मैंने उस पर क्लिक नहीं किया है, तो इस वजह से मुझे अब तक वो ब्लॉग का एक्सेस नहीं मिला इसके अंदर। तो अब मैं यहाँ पे देखें, रियान खान, यू हैव बीन इनवाइटेड टू कंट्रीब्यूट टू फरहान ट्यूटोरियल्स। ओके, अब यहाँ लिखा है दिस पर्पज़ ऑफ द मैसेज इज़ टू इन्फॉर्म यू दैट रियान खान इज़ इन्वाइटेड यू टू कंट्रीब्यूट टू दियर ब्लॉग फरहान ट्यूटोरियल्स। टू एक्सेप्ट दिस इन्विटेशन क्लिक ऑन द बटन बिलो। अब ये एक्शन का इन्विटेशन है, एक्सेप्ट इन्विटेशन है। अब यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अब आपसे इंफॉर्मेशन लेगा कि ये वाला जिस ब्लॉग पे एक्सेस करने जा रहे हैं उनकी इंफॉर्मेशन ये है और किसने आपको इनवाइट किया है, ब्लॉग का यूआरएल क्या है, ब्लॉग का टाइटल क्या है और उस बंदे की ईमेल आईडी क्या है। तो एक्सेप्ट इनविटेशन पे क्लिक कर देना है। ठीक है, एक्सेप्ट इनविटेशन कर दिया। अब देखें फ्रेंड्स, अब मेरे पास फरहान ट्यूटोरियल्स का एक्सेस आ गया। लर्न फ्री हमारी एप्स और फरहान ट्यूटोरियल्स। ठीक है, अब मैं फरहान ट्यूटोरियल्स में जाता हूँ। अब देखें, अभी मुझे फ़िलहाल सिर्फ पोस्ट और सेटिंग का ऑप्शन मिला हुआ है क्योंकि मैंने अब तक उसमें एक्सेस
कंप्लीट एक्सेस मैंने अपने दूसरी जीमेल आईडी को नहीं दिया है, तो उसको कंप्लीट एक्सेस करने के लिए देखें, अभी जो ये मेरी जीमेल आईडी है, अभी इसको जो पहला ऑथर दिया गया है कि ये ब्लॉग में सिर्फ पोस्टिंग कर सकता है, बाकी कोई भी सेटिंग वगैरह को छेड़ नहीं सकता, सेटिंग्स वगैरह को एक्सेस नहीं कर सकता। तो उनको एक्सेस देने के लिए आप एक आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और एडमिन पे क्लिक कर दें, ठीक है। अब ये दोनों जो यूज़र्स हैं उनको एडमिन राइट्स मिल चुके हैं, मतलब कि ये दोनों एडमिन यूज़र्स हैं, अब ये पूरे आपके ब्लॉग में एक्सेस कर सकते हैं, जो भी इनकी फीचर्स हैं, अर्निंग है, स्टेटस है, स्टेट्स है, कैंपेन्स हैं, पेजेस लेआउट, टेम्पलेट जो भी है उनको चेंजेस कर सकते हैं। अब यहाँ अगर रीलोड करते हैं रिफ्रेश F5 बटन से, अब आप देखें मुझे एक्सेस मिल चुका है पूरा। तो आई होप आपको ट्यूटोरियल समझ आया होगा कि आप अपना जो जीमेल का ब्लॉक्ड अकाउंट है एडसेंस का, अगर आपको वही ब्लॉग दूसरे जीमेल अकाउंट पे यूज़ करना है, और ब्लॉग जो पहले जिस ईमेल आईडी पे डिसेबल था अब उसको शिफ्ट करने के लिए ये मेथड अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये मेथड अप्लाई होता है कि आप अपना जो ब्लॉगर का जो एक्सेस है हम दूसरी जीमेल आईडी को कैसे देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे मुझसे कमेंट में इसके बारे में पूछ सकते हैं वीडियो के अंदर। बाकी अगर आपने मेरा अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो youtube.com/farhantutorialstk यहाँ पे क्लिक करके ये सब्सक्राइब का बटन है, आप यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है। बाकी हम फेसबुक पे और गूगल प्लस पे भी अवेलेबल हैं, गूगल प्लस पे हमारा यूज़र नेम है +farhantutorialstk है। फेसबुक पे ज्वाइन करना है तो facebook.com/farhantutorials। ये हमारा फेसबुक का पेज है, यहाँ पे आप हमारी ट्यूटोरियल जो भी हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट वगैरह करने बिल्कुल ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपका सपोर्ट मिलता रहे और हम यूं ही आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह प्रोवाइड करते रहें, ठीक है फ्रेंड्स। अपना ख्याल रखिएगा और ये वीडियोस को देखते रहिए मेरी वीडियोस को, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ठीक है फ्रेंड्स। अल्लाह हाफिज़।